नमस्कार, टिकट सेंसर पर आपका स्वागत है। और अभी हाल ही में जो है पठान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आमिर खान का बयान भी सामने आ रहा है। और वो किस बात को लेकर बयान सामने आया वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर, जहाँ पर पठान ने अपने 12वें दिन जो है बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं लिया, वहीं पर उसने रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब क्या है वो रिकॉर्ड आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि जो 11वें दिन का रिकॉर्ड था वो था 373 करोड़, और जो है 12वें दिन 401 करोड़ को पार कर गया है पठान। और अब ये रिकॉर्ड क्या है कि हिंदी बेल्ट में, हिंदी कलेक्शन में बॉलीवुड मूवी ने जो है, किसी भी बॉलीवुड मूवी ने इतना रिकॉर्ड सेट नहीं किया था 400 करोड़ प्लस का, जो कि सिर्फ 11 दिनों में पठान ने कर दिया है। और जो दंगल थी आमिर खान की, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दंगल का रिकॉर्ड क्या था, तो दंगल का रिकॉर्ड था 377 करोड़ लाइफ टाइम का रिकॉर्ड था ये हिंदी बॉक्स ऑफिस पर। अब इसी को लेकर जो पूछा गया आमिर खान से कि सर जो पठान मूवी है क्या आपने देखी, और जो आपका दंगल का रिकॉर्ड है वो पठान मूवी ने तोड़ दिया है, तो आपका क्या राय है, क्या आप कहेंगे इसके ऊपर। तब आमिर खान ने बोला कि मुझे खुशी है कि किसी हिंदी मूवी ने भी ये रिकॉर्ड सेट किया है और पठान मूवी वाकई में बढ़िया है। बट हमें जब हम ऑल ओवर रिलीज करते हैं मूवी को, तो हमें बाकी लैंग्वेजेस का भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में जाकर जो है मूवी का प्रमोशन भी करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। बाकी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा क्षमता है, और मुझे खुशी है कि अब बॉलीवुड जो है धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।